अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। और वर्ल्ड कप के हवाले से नई अपडेट आई है। हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई है और मीटिंग को हेड किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, जिसमें बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। और इंडिया वर्ल्ड कप जाने या ना जाने के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और फैसला ये किया गया है कि अब एक सिक्योरिटी डेलीगेशन इंडिया का ट्रैवल करेगा, उन 4-5 सिटीज़ का वहाँ जाके जायजा लेगा सिक्योरिटी का कि इंडिया हमें क्या सिक्योरिटी देने वाला है। और वही सिक्योरिटी डिमांड की गई है जो 2016 में प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी थी, वो डिमांड की गई है पाकिस्तान की तरफ से। और वो उस चीज़ का जायजा लेंगे और वेन्यूज देखेंगे, होटल्स का पूरा मायना करेंगे, तभी डिसाइड होगा कि पाकिस्तान ट्रैवल करेगा इंडिया या अभी भी नहीं ट्रैवल करेगा। देखिए वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और एक ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल है वो भी अनाउंस हो चुका हुआ है और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो कहाँ कहाँ होने ये सब डिसाइड हो चुका हुआ है। तो इन दी एंड जो पाकिस्तान कमेटी बिठाई हुई थी, इंडिया ने तो उस कमेटी को ईजी ले लिया था क्योंकि कमेटी यहाँ पर वर्किंग कर रही थी, लेकिन इंडिया उसको फॉलो नहीं कर रहा था क्योंकि स्केड्यूल आ गया था, वो रिलैक्स हो गए थे। लेकिन अब असल खबर ये आई है कि जो मीटिंग है उन्होंने, जो कमेटी सॉरी, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी पहले चेक करेगा। अभी जो शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई है, ब्रीफिंग की है हमारे फॉरन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने बोला है कि अभी तक जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो अच्छी ही है, लेकिन उसको रीचेक किया जाएगा। जो हमने वक्त भेजना था वो पहले नहीं भेजा था, तो ये वक्त जाएगा, वो सिक्योरिटी चेक करेगा, फिर उसके बाद क्लियरेंस होने के बाद मिल जाएगी। ये जो जो सिक्योरिटी हमारी जो जाएगी वहाँ पर, जो एजेंसी जाएगी उसको जो साथ उनके साथ ICC की जो है ना सिक्योरिटी, वो भी साथ होगी और ICC की सिक्योरिटी और दोनों मिलकर जायजा लेंगे और ICC की इंश्योरेंस होगी PCB को, तब ही पाकिस्तान ट्रैवल करेगा। और जो ICC की रिटर्न गारंटी मांगी है PCB ने कि आपने हमें, इंडियन गवर्नमेंट तो हमें सिक्योरिटी देगी, लेकिन ICC हमें लिख के देगा कि अगर कोई वहाँ पर मसला होता है तो फौरन उसका रिएक्शन दिया जाएगा ICC की तरफ से और मैचेस जो हैं वो शिफ्ट किए जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे किए जाएंगे, पाकिस्तान को कहीं से क्या कहते हैं बाहर नहीं किया जाएगा, फौरन डिमांड मानी जाएगी और कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव होना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ICC का जो सिक्योरिटी डेलीगेशन है वो भी PCB के सिक्योरिटी डेलीगेशन के साथ ही वहाँ पर इंडिया में ट्रैवल करेगा और इंडियन फैसला जो होगा वो दोनों के मिलकर होगा। PCB ने इमरान ICC के साथ जो है वो 2-3 जो वेन्यूज है उनकी खास सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो शो किए हैं और इसीलिए ट्रैवल किया जाएगा वहाँ, सिक्योरिटी दोनों जो एजेंसीज हैं मिलके जाएंगी, क्योंकि बताया नहीं जा रहा बिल्कुल, उसमें अहमदाबाद तो होगा ही क्योंकि वो वहाँ पर आपको पता ही कि जो मसले मसाइल हैं गवर्नमेंट, बाकी तो जो है वहाँ तो वो प्रो जो मैचेज होने हैं कलकत्ता में हो गए, बेंगलोरु में हो गए, वो तो प्रो पाकिस्तानी है। लेकिन खास परसेंट चांस है पाकिस्तान के ट्रैवल कर ही लेगा इंडियन? देखें मुझे लगता है, मुझे तो लगता है कि 95% अभी भी चांस है, जो भी आप कहें पाकिस्तान ट्रैवल तो कर ही रहा है, क्योंकि इतना कुछ होने के फाइनलाइज इसी चीज़ से हुई है, एक फॉर्मेलिटी टाइप है, मुझे तो यही लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान ट्रैवल करेगा, बल्कि 99% ट्रैवल करेगा। लेकिन इस बार अच्छी बात ये हुई है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उनका जो मिजाज है बड़ा सख्त है, क्योंकि वो रिसेंटली इंडिया ट्रैवल भी करके आए हैं और उनको पता है कि इंडिया जो है सलूक अच्छा नहीं करता है, तो वो तो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर इवेंट हो रहा था उनके साथ, अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्या कर सकते हैं, तो उनको इस चीज़ का अंदाजा है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त एक्शन लिया है और अब देखते हैं कि सिक्योरिटी कैसी निकलती है। अब ये सारा इंडिया पे डिपेंड करता है ना कि इंडिया क्या करना चाहता है। वैसे इमरान, मुझे ये लग रहा है कि जो लोग सिक्योरिटी का भेजना और ये सब भी एक फॉर्मेलिटी है, एक अंदर से डिसीजन तो हो चुका हुआ और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी और इंडियन हुकूमत ने भी ऐसी सिक्योरिटी दे देनी है। गलत कह रहे हैं आप, देखें सिक्योरिटी दे तो देनी है, लेकिन चेक करना और उसके बाद चेक करने के बाद उसकी जो एक ऑफिशियल जो है गो अहेड, हमारी जो एजेंसीज हैं वो चेक करेंगी कि वाकई वो इस काबिल है सिक्योरिटी दे तो देंगे। हर बंदे सिक्योरिटी देता है, वो तो किसी भी नेशन में आप जाएंगे वो सिक्योरिटी तो देंगे, लेकिन क्या वो जो सिक्योरिटी है वो इस काबिल है और उसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी चेक करना, सिक्योरिटी क्वालिटी चेक करना है। अब सिक्योरिटी तो दे ही देंगे, आप इथियोपिया चले जाएं वो आपको सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन एक क्वालिटी दे रही है, एक मेयार होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान का आपको पता है स्पेशल एक रिलेशन है इंडिया के साथ। दो तीन जगहों की जो पाकिस्तान ने ना रिपोर्ट जो है सिक्योरिटी की रिपोर्ट वो अपनी जो मुरतब की है वो ICC के साथ शेयर भी की है, तो 2-3 वेन्यूज ऐसे भी हैं जहां पर सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा डिमांड की जा रही है, जिसमें अहमदाबाद भी आपको पता ही है, एक मैच वहां पर भी वैसे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच होना है तो वहां पर ज्यादा सिक्योरिटी मांगी जा रही है। तो ये देखते हैं, वक्त ही साबित करेगा कि होना क्या है इसका, कि